नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश ईएसआई एएसआई कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, इन सबकी जो आपकी वैकेंसी थी जिसके लिए लगातार परीक्षा प्लस टीम भी आप लोगों के साथ भर्ती बोर्ड गई हुई थी, जिसमें आपके लिस्ट जारी होने के बाद डीवीपीएसटी के लिए जो डेट आउट होनी थी उसी के संबंध में सारी चीजें चल रही थी। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है, हालांकि ये जो आपकी यहां पर विज्ञप्ति दिखाई दे रही है ये आपकी गोपनीय एक तरीके से शासनादेश है और यह आपके विभाग में ही भेजा जाता है, इसीलिए अगर आप इसको चेक करने लगे कि ये साइट पर है तो साइट पर नहीं मिलेगा। ये सभी आपके रिजर्व पुलिस लाइन पर जो डीबीपीएसटी होना है 19 तारीख से डीबीपीएसटी यूपीएसआई और एएसआई के लिए प्रारंभ हो रही है, ठीक है। तो जिनका हुआ है चयन पहले आपके लिस्ट में, वो सारे लोग आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या पीईटी में आपके पीएसटी में मानक होने चाहिए, उनके लिए आशीष सर ने पूरी वीडियो भी बना रखी है। बहुत सारे लोग चश्मा वाले पूछते हैं विजन को लेकर के, अन्य सारे लोग, तो उनको लेकर के आशीष सर की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी है, वो देख लीजिए। और 19/4 से आप लोग तैयारी अपनी प्रारंभ कर दें, 19/4 से आप लोगों को जो है इसके बारे में एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और 19/4 से आप सभी को हर एक जनपद पर जो रिजर्व पुलिस लाइन होती है वहां वेरिफिकेशन आपका डीबी का होगा और साथ ही साथ आपके पीएसटी को लेकर के यानी फिजिकल जो स्टैंडर्ड आपके हैं उनका वहां पर परीक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ अभी आपने देखा उस दिन जब हम लोग भर्ती बोर्ड गए थे तो वहां पर यही डिमांड रखी गई थी कि जितने फर्जी डॉक्यूमेंट वाले इनको बाहर किया जाए। तो अभी कुछ देर पहले जो है यह विज्ञप्ति जारी कर दी गई है पुलिस विभाग के द्वारा कि जो फर्जी आपके हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग बहुत सारे इंस्टीट्यूट सुनाई दे रहे थे और उस दिन लगभग 2500 के करीब जो है विभिन्न आपके लड़कों के डॉक्यूमेंट भी वहां उपलब्ध कराए गए कि ये लोग फर्जी बनवाए, तो लगभग 14 संस्थान चिन्हित किए हैं बोर्ड ने और उनसे जिन्होंने बनवाए हैं उनके लिए आफत है। तो भैया जो सही है वो लोग लगे और अगली लिस्ट जारी होनी है ये तो तय है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने उस दिन भी आश्वासन दिया था और कल आज भी जो है आश्वासन ये दिया है कि लिस्ट आगे आनी है और बहुत सारी आपकी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो भी चलती रहेंगी और इनके संदर्भ में जिनका हुआ है चयन हुआ है उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, जिनका होना है उनको भी अग्रिम जो है शुभकामनाएं और साधुवाद, तय है कि होना है। तो 19/4 के लिए यूपीएसआई सिविल की अगर बात की जाए तो सिविल को लेकर के ही बहुत जल्द आपको अपडेट दूंगा। सिविल वाली जो चीजें हैं जो अभी तक एक अनुभव जो है अनुभव अनुमान चल रहा है, आपको अप्रैल के लास्ट तक सिविल का रिजल्ट और आपके जो है फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर के सूचना मिल जाएगी, ठीक है। उसको लेकर के अभी अपडेट आपको बहुत जल्द ही टीम परीक्षा प्लस उपलब्ध कराएगी। अन्य जो भी जानकारियां आपको पूछनी कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपका उसका जवाब दिया जाएगा और अगली जो आपकी चरण है अगली प्रक्रिया है उसके लिए अपने आप को तैयार करें। अग्रिम शुभकामनाएं, धन्यवाद, साधुवाद और कोई भी क्वेरी है तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें।